आधुनिक तकनीकी के दौर में हर क्षेत्र के लोग बेहतर कार्य करने के लिए नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें कृषि क्षेत्र भी अपना विशेष योगदान रखता है। अगर बात करें कृषि में नई तकनीकी का, तो यह क्षेत्र किसी से भी पीछे रहने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि रोजाना कृषि में भी नए नए यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं बरेली के भुता क्षेत्र में शाहपुर बनियान गांव की, जहां के गन्ना किसानों को द्वारकेश चीनी मिल के महाप्रबंधक अनिल सिंह के नेतृत्व और अतिरिक्त प्रबंधन प्रवीण सिंह की मौजूदगी में ट्रेनिंग दी गई, जिसमें ड्रोन से गन्ने की फसल में कृषि रसायन और एनपीके मिश्रण का स्प्रे किया गया। यहां गांव के गन्ना कृषक सतेंद्र के फॉर्म में खड़ी गन्ने की फसल पर ड्रोन से स्प्रे कर महाप्रबंधक अनिल सिंह द्वारा खेत पर मौजूद तमाम गन्ना किसानों को कम खर्चे में कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर बेहतर काम करने के गुर सिखाए गए। चीनी मिल प्रबंधन के इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल गन्ना किसान काफी उत्साहित नजर आए। वहीं इस दौरान द्वारकेश चीनी मिल के कई अधिकारी मौजूद रहे। कई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लेबर प्रॉब्लम, दूसरी बड़े गन्ने में कोई बीमारी आ जाए तो कैसा स्प्रे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है ना। उन सब की दवा ये है। अब ये अब जो प्रॉब्लम इसमें कमी आएगी उसे फिर और ठीक करेंगे है ना। अब उसे ठीक करते करते भी इस अंत तक पहुंचना है कि आगे मशीनीकरण पर आ जाए, नई तकनीक नई विधियों द्वारा हमें अपनी फसल को अच्छी से अच्छी करनी है। उसके लिए अब समय के साथ चलना पड़ेगा। अब समय क्योंकि तकनीकी युग है, तो हमें उसे तकनीक नई तकनीक के हिसाब से, अब ये ड्रोन सिस्टम आया है, इस ड्रोन से हम स्प्रे कर रहे या जो भी करेंगे तो वो अच्छे से अच्छा और क्वालिटी वर्क मिले। आप सब आज ये जो डेमो देखने आए हैं, और हम भी आप जैसे ही हैं एकदम इसके बारे में अनोन है आप भी। अब फिर इसमें अगर कोई कमी रहेगी तो उसका निराकरण करके फिर बड़े स्तर पर कराया जाएगा। अभी ये प्रशिक्षण स्तर पर है, है नहीं? तो अब आप लोग अपना बढ़िया आगे के लिए जो भी नई चीज आएगी हम आपके साथ हैं, द्वारिकेश आपके साथ है, बाकी आपको इस मिल को यहीं रहना है। तो आप एक दूसरे का ख्याल करते हुए अधिक से अधिक बढ़िया नई वैरायटी नया वो अच्छे से अच्छे क्वालिटी का गन्ना, अब आप जो लोग जो देखते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ये मिल वाले